संग्राम रेड्डी पुरस्कार राशि 20 लाख टंका कार्तिक उर्फ दसरु पुरस्कार राशि 20 लाख जयराम उर्फ गुड्डू पुरस्कार राशि 20 लाख बलदेव पुरस्कार राशि 4 लाख अंजु उर्फ कविता पुरस्कार राशि 5 लाख जून 21 नुआपड़ा माओ हिंसार यही 5 लाल कमांडर एवं जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए स्कैनर रे ए 5 जणक सह सेमानक साथी को धरिबा पई एनआईए प्रस्तुत करूछि ब्लूप्रिंट ता सहित माओ हिंसार आरंभ करिछि छानबीन। जून 21 2022 रोड ऑफिंग पेट्रोलिंग रे बाहरी थिले सीआरपीएफ रो 40 रु अधिक जवान नुआपड़ार भैंसादानी रे जवान मानक उपरे अचानक आक्रमण कला लाल वाहिनी लाल सलाम माओवादी जिंदाबाद कई अंधाधुन फायरिंग मोटर रे भी कले हमला घटनास्थल रे शहीद हेले 3 सीआरपीएफ जवान AK-47 सहित अन्यान्य बंदूक लुटि नहीं फेरार होइगले माओवादी ए भयंकर कांडर कार्पोरदार थिले मुरली कार्तिक जयराम बलदेव अंजु और सेमानक साथी ए घटना परे पुणी नुआपड़ार सुनाबेड़ा अभयारण्य रे सक्रिय होइछंती माओवादी घटनार गुरुत्व को देखी गृह मंत्रालय तदंत भार एनआईए को देछि एनआईए भी आरंभ करिछि तनाघना टॉप माओ नेता को धरिबा पई प्रस्तुत होइछि ब्लूप्रिंट। केसेस ऐसे हैं जो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है क्योंकि एनआईए का विशेष अधिकार है और उनका स्कोप काफ़ी वाइड रहता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में उनका पूरा विशेष अधिकार है तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क है और तो उनका सक्सेस रेट भी इसलिए ज़्यादा है और उम्मीद करते हैं कि ये केस भी जल्दी जल्दी सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएगा और जितने भी कल्प्रिट हैं उनको पकड़ कर कानून के दायरे में सजा दिलवाई जाएगी। बला कई वर्ष हला लाल वाहिनी रड्डा पालटी छि सुनाबेड़ा अभयारण्य नुआपड़ार भौगोलिक स्थिति सुहाउछि माओवादी को सुनाबेड़ा पाटतराह अभयारण्य 205 किलोमीटर पर्यंत व्याप्त सुनाबेड़ा अभयारण्य घंच जंगल ले हेउछि माओमेली छत्तीसगढ़ रु माओवादी आसुछंती नुआपड़ा प्रहर कहंतु किला कहंतु छत्तीसगढ़ तो से एरिया रु सुनाबेड़ा जे रिजर्व फॉरेस्ट अछि सेटा जदि आप देखिए जोग्राफिकल टेरेन जे कहती यार जे टोपोग्राफी आप एपटी जे आम अच्छी खरियार एसबू साइड रे जाए हेब नहीं आप सेटार जदि मैप देखिए टेरेन मैप बहुत स्टीप पहाड़ चढ़वा बड़ पहाड़ घेरा दुर्गम नुआपड़ा जिला को माओवादी एंट्री होता 2009 बर्तमान सुधा 13 जन साधारण लोक माओवादी मैंने हत्या कर 15 जन सुरक्षाकर्मी शहीद होती। समलपुर सुरेन्द्र बारी नुआपड़ा युधिष्ठिर पटेल का रिपोर्ट आर्गस न्यूज।